नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको रासिम्स मोबाइल ऐप से लेगेसी एंट्री या बैक डेट की एमडीएम से लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बताऊंगा। प्रक्रिया साथियों आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों जानते हैं रासिम्स मोबाइल ऐप से लेगेसी एंट्री करने की प्रक्रिया। रासिम्स मोबाइल एप्लीकेशन से लेगेसी डेट की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सिस्टम में जहां भी आपने रासिम्स एप्लीकेशन को रख रखा है उसको ओपन कर लेना है। जब आप रासिम्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ऐप आपके सामने लेकर आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ SSO ID एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो मेरे पास पिछले वीडियो में कई साथियों के कमेंट आए हैं कि यहाँ जो हमें SSO ID एंटर करनी है वो कौन सी SSO ID एंटर करनी है, प्रधानाध्यापक महोदय की SSO ID एंटर करनी है या MDM प्रभारी की SSO ID एंटर करनी है। तो मैं आपको इस कमेंट या आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा कि आपको यहाँ SSO ID वही एंटर करनी है जो आपके ब्लॉक द्वारा मैप की गई है। वो SSO ID आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, फिर उसी SSO ID के लॉगिन पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। उसके बाद आपको नीचे साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप रासिम्स एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पर PM पोषण MDM का जो ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेना है या इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब ऐप आपके सामने इस तरह का इंटरफेस लेकर आएगी। आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, आपको यहाँ पर आना है। 3 व्हाइट लाइन आपको ऐप में यहाँ दी हुई है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पहले नंबर पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा IM का, और दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा SCMS या यूं कहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन और आपके सामने ओपन होकर आएगा सेल्स मैनेजमेंट नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर पर आपको यहाँ जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है एड डिस्ट्रीब्यूशन नेम से, तो इससे जुड़ा वीडियो मैं आपकी सहायता हेतु चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूँ। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको उस वीडियो की आवश्यकता है तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु रासिम्स पोर्टल पर आपको कार्य कैसे करना है उससे जुड़े समस्त प्रकार के वीडियो के लिंक उपलब्ध करवाए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी वीडियो का लाभ ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि आपको लेगेसी डेट की एंट्री रासिम्स एप्लीकेशन से करनी है तो वो कैसे होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब ऐप आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करेगी जिसमें आपको लेगेसी एंट्री करने से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो मैं वही चीज आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि आपको लेगेसी डेट की एंट्री कैसे करनी है। तो आपको यहाँ पर जो क्लोज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस क्लोज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये मैसेज आपके सामने से हट जाएगा। अब आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है, आप कौन सी डेट की एंट्री यहाँ पर करना चाहते हैं वो डेट आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो ईयर जो आपको 2024 ही रखना है, कौन से मंथ की आप एंट्री करना चाहते हैं वो मंथ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं चेंज कर रहा हूँ उसी प्रकार आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। अब कौन सी डेट की आप लेगेसी एंट्री करना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि लेगेसी डेट की एंट्री करनी है तो आपको बैक डेट की एंट्री ही इस मॉड्यूल के माध्यम से करनी है और डेट आपको यहाँ सही सेलेक्ट करनी है। अब जो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट की है उस डेट को यदि आपके विद्यालय में 0 कंजम्पशन था, मतलब आपने विद्यार्थियों को भोजन नहीं करवाया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ 0 कंजम्पशन के सम्मुख जो चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप अपने विद्यालय में उक्त डेट की 0 कंजम्पशन की एंट्री क्यों बताना चाहते हैं,
उसका रीजन आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू रहे, आपके विद्यालय में जीरो कंजम्पशन आप बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, उसका कारण आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपको यहाँ डन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप डन पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप डन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रीजन सेलेक्ट दिखाई देगा। अब यदि आपके विद्यालय में जो डेट आपने यहाँ पर बताई है उस तिथि को जीरो कंजम्पशन था, तो आपको यहाँ सेव का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। परंतु जिस डेट की आप एंट्री कर रहे हैं उस डेट को आपके विद्यालय में जीरो कंजम्पशन नहीं था और आपने विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न बनाया था और विद्यार्थी खाद्यान्न से लाभान्वित हुए थे, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो जीरो कंजम्पशन के सम्मुख आपको चेकबॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको यहाँ प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो तिथि आप यहाँ पर बता रहे हैं इस तिथि को आपने विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न बनाते समय या भोजन बनाते समय आपने क्या उपयोग में लिया है, वीट उपयोग में लिया है या राइस उपयोग में लिया है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ डन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप डन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बेनिफिशियरी ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका विद्यालय 1 से 5 का है तो आपको यहाँ एक ही बेनिफिशियरी ग्रुप डिस्प्ले होगा, परंतु यदि आपका विद्यालय 1 से 12 या 1 से 8 का है तो आपको यहाँ 2 बेनिफिशियरी ग्रुप डिस्प्ले किए जाएंगे। दोनों बेनिफिशियरी ग्रुप के सम्मुख जो आपको चेकबॉक्स मिलेंगे उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाएगी। जिस तिथि की एंट्री आप कर रहे हैं उस तिथि को आपके विद्यालय में MDM से लाभान्वित कितने विद्यार्थी हुए थे उनकी संख्या आप यहां पर दर्ज करेंगे। इस तरह आप जो MDM से लाभान्वित बेनिफिशियरी ग्रुप है उसमें छात्र संख्या यहां पर एंटर कर लेंगे। और यदि आपको यहां दूसरा बेनिफिशियरी ग्रुप भी डिस्प्ले किया जा रहा है, आपका विद्यालय 1 से 8 या 1 से 12 का है, तो दूसरा जो बेनिफिशियरी ग्रुप आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसमें भी आपको MDM से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या इसी तरह एंटर करनी है। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ इशू क्वांटिटी बताई जाएगी कि कितनी खाद्यान्न खपत आपके विद्यालय में स्थिति को हुई है, वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से चेक करेंगे कि कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद कोई गलती नहीं पाए जाने पर आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ आपको सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के लिए वापस आपको यहाँ पर 3 जो लाइन दी हुई है इन 3 व्हाइट लाइन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ नीचे एक टैब उपलब्ध करवाई गई है, डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट। तो आप यहाँ आपने जो लेगेसी एंट्री की है उसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वो एंट्री देखने को मिलेगी। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो जो एंट्री आपने की है अभी फिलहाल वो अनसेटल्ड मोड में है, तो आपको यहाँ अनसेटल्ड लिखा मिलेगा। कुछ ही टाइम में सिस्टम द्वारा प्रोसेस करके इस एंट्री को सेटल्ड कर दिया जाएगा। परंतु यदि ये एंट्री आपसे गलत हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करके जो आपने एंट्री की है उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि आपकी एंट्री सेटल्ड हो जाएगी तो ये जो एंट्री आपको यहाँ पर बताई जा रही है यहाँ से हटा ली जाएगी और यहाँ सेटल्ड मोड में आपको आपकी एंट्री बताई जाएगी। जैसे मैंने यहाँ सेटल्ड पर क्लिक किया है तो 10 एंट्री हमें यहाँ पर बताई जा रही है कि सिस्टम द्वारा हमारी कौन कौन सी एंट्री को सेटल्ड कर दिया गया है। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से लेगेसी डेट की एंट्री राजसिम्स एप्लीकेशन के माध्यम से राजसिम्स पोर्टल पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो प्रक्रिया मैंने आपके साथ शेयर की है निश्चित ही आपको उपयोगी लगेगी। यदि प्रक्रिया आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपको वीडियो का लाभ मिला है उसी प्रकार हमारे अन्य साथी भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और आपको मुझसे कोई तकनीकी सवाल पूछना है या वीडियो संबंधी आप राय मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।